भोजपुरी फिल्मों की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी भाषा पूरे भारत में बोली जाती है और भोजपुरी भाषा में कई सारे फिल्में भी बनती हैं, जिसे दर्शक काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। लेकिन एक बुरी खबर आ रही है कि गुजरात के शहर सूरत में आयोजित उत्तर भारतीय सम्मेलन के बाद समाज के एक वर्ग द्वारा एक अखबार के माध्यम से सम्मेलन में मौजूद अभिनेत्रियों के लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग करने से सूरत के उत्तर भारतीय समाज द्वारा गहरा रोष प्रकट किया गया है। उल्लेखनीय है कि 4 जून को सूरत में एक विशाल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 50,000 लोग मौजूद थे। सम्मेलन में भोजपुरी फिल्म जगत के कई अभिनेत्री व अभिनेता बतौर अतिथि मौजूद थे और सभी ने अपना विचार प्रकट करते हुए उत्तर भारतीय समाज की एकजुटता की तारीफ की। अगले दिन सभी गुजराती और हिंदी अखबार ने सम्मेलन और आयोजक अजीत सिंह की सराहना की, लेकिन हिंदी के एक अखबार ने अभिनेत्रियों को डांसर कहकर उन्हें नृत्य देखने का आए उत्तर भारतीयों को उनके नृत्य न करने से निराश हुई। इस खबर से सूरत के संपूर्ण उत्तर भारतीय समाज में रोष प्रकट हो रहा है। आयोजकों ने कहा है कि कला के प्रदर्शन करने जानी मानी अभिनेत्री अंजना सुवी शर्मा, प्रियंका पंडित और निधि झा के लाखों करोड़ों फैन हैं और उनके लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है। बहरहाल स्थानीय सांसद श्री पाटिल जी ने इसकी रोष व्यक्त किया है और उत्तर भारतीय समाज को शांति बरतने की अपील भी की है। भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स।